आज हो गया है अगला दिन और हम कल गए थे करोल बाग। तो मैं कल यार शूट नहीं कर पाया, बहुत थक गया था, बहुत ज्यादा ही एग्जर्शन हो गया था, बहुत ज्यादा। तो कल मैंने एग्जर्शन इसलिए एग्जर्शन होता है भाई, ये भी आया हुआ है यहाँ पे, एग्जर्शन होता है। ठीक है भाई। अंदर बहुत बोर हो गया था मैं सेटअप से, तो मैंने सोचा कि यार नया कुछ कुछ बनाते हैं। तो भाई ये हमारा लिविंग रूम था, ये मैंने पहले दिखाया नहीं, और यहाँ पे हमने टेबल लगा दी है वही वाली। तो एक सीरीज होने वाली है यार कि जिसमें मैं पूरा दिखाऊंगा कि हम मतलब रेनोवेट कैसे कर रहे हैं अपनी लाइफ को, खुद ही कर रहे हैं ठीक है, ऑब्वियसली पैसे नहीं है। तो कल जो मैं फोम लेके आया था वो मेरे को पड़ी थी 400 रुपए की, एक फोम 6 बाय समथिंग का, वो एक रोल होता है पूरा पैक, मतलब रोल भी नहीं कहूंगा ये होता ठीक है है। भाई। तो भाई ये सब हम लेके आए हैं कल, कितने आए, 10-15 लेके आए थे हम। इस पे लगेगा अभी फेविकॉल, ये देखो ये वाली रबड़ वाली होती है, कम कम लगाइए ठीक है। ये साउंड प्रूफिंग के लिए नहीं होती है, सिर्फ एको कम करने, रिवर्ब कम करने के लिए होती है, जो कि गूंज होती है, रिवर्ब होता है गूंज। तो इसको हम लगाते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे करनी होती है हमारी वीडियो शूट, तो अभी नई लैब बनेगी, अभी ये गंदे पर्दे हैं ये भी हटवाएंगे। यहाँ पे लगा रहे हैं हम इस दरवाजे पे, एक यहाँ पर लगवा दी हमने भाई, इतना टाइम नहीं मिलता यार, मतलब काम करते करते अब शूट करना बड़ा मुश्किल होता है, वैसी कैमरा नहीं है आज। तो दो लाइट्स यहाँ पे लगा दी थी मैंने, और ये यहाँ पे लगा दी है ये फोम, बाकी ये बैठ के मज़े ले रहा है। और यहाँ पे दो ब्रेक लाइट्स लगवा दी थी कलरफुल RGB, दो लाइट्स यहाँ पे भी हैं, एक ट्यूबलाइट यहाँ पे भी है, एक ट्यूबलाइट एक और यहाँ पे। ये हमारा हॉल ऑफ फेम है, ये लैब पूरी यार कचरा हो रहा फिर है, पूरा कचरा हो रखा है, इसको इग्नोर करना, क्या कर रहे हो भैया। और बाकी यहाँ पे इस दरवाजे पे लगा दिया हमने, ये अंदर इग्नोर करना, बाद में बताऊंगा रूम टूर में कि ये क्या है, ये यहाँ पे ऐसे लग गई है। और बिल्कुल हो गया हमारा एक्को प्रूफ, हमारी लैब हो गई है एक्को प्रूफ। देखो यार बताओ कैसी लग रही है, ऊपर से भी साफ कर देंगे, बताना जरूर कैसी लग रही है यार। ये स्विच अंदर था, यहाँ पे लगा दिया है, देख सकते हो इसमें लाइट्स हैं, ये दोनों लाइट्स यहाँ पे लगाई थी कल, इलेक्ट्रिशियन आया था वो लगा के गया था। बाकी अभी तो पूरा खराब हो रखा है, बट मैं बताता हूँ, अपडेट्स देता रहूंगा ठीक है, क्या क्या लग रहा है। ये हमने ग्रास मैट और ये गेट के बाहर लगा दिया है, अच्छा सा अगर मैं दिखाऊं तो भाई गेट के बाहर लगा दिया है ताकि अंदर एक स्टूडियो वाली फील आए। अरे यार ये अलमारी थी हमारे पास, ये टूट गई है थोड़ी सी, यहाँ से थोड़ी नहीं ज़्यादा टूट गई है, तो इसका हम थोड़ा इंतजाम करवाते हैं, देख लो वो पूरी अलमारी अंदर रख देंगे इसको। काम कर लिया करो यार, भाई मेरे को ऐसे दिखा इतना रहे सारा जैसे मैं ही काम नहीं करता है, ऐसे काम होता है भाई, ऐसे कर होता है, जिसकी वीडियो होती है वो ऐसे दिखाता है कि सबसे ज्यादा काम वही करता है। रहा है ऐसा दिखाता है ना, बट सच्चाई कुछ और है, जनता को बेवकूफ बनाया जा जनता रहा कोई वेद भाई, देखो सबसे ज्यादा मैं काम करता हूँ सबको पता है ना, करता हूँ ना, है। खुद बताओ करता हूँ ना, भाई नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन ज्यादा काम करता होगा। ये देखो यहाँ पे हंस रहा है ताकि मतलब लोगों को यकीन हो, इतना कन्विंसिंग पावर है इसके अंदर कि क्या भाई लोगों को यकीन हो जाए कि नहीं मैं ही काम नहीं करता। एक सरप्राइज दिखाता हूं ठीक है, सरप्राइज सरप्राइज। ये है भाई सरप्राइज, तो ये सारा कंप्लीट करना है हमें भी, और ऊपर तक लगा देंगे अच्छे से। और इसकी गेटअप देखो यार कितनी बढ़िया आ रही है, लाइट ऑन करता हूँ, नहीं ये तो रंग बिरंगी लाइट है, हाँ थोड़ा बेटर है। अब बताओ यार कैसा लग रहा है, आ रही है ना स्टूडियो वाली फील, ये देखो। स्टॉपर खराब हो गया था क्योंकि यार घर बहुत पुराना था, अबैंडन था एक तरह से, हम यहाँ पे रहते नहीं थे, सो यहाँ पे ये अभी स्टॉपर लगा रहा है। एक मिनट, स्टॉपर कहाँ पे है, ये रहा हमारा स्टॉपर। तो भाई ये स्टॉपर हम लगा रहे हैं इस पे नया, और शायद उल्टा पकड़ रहा हूँ मैं, हाँ अब थोड़ा बेटर है। तो ऐसे करके स्टॉपर यहाँ पे हम लगा देंगे। मैं बताता हूँ, वो जो यार अलमारी देखी थी ना, इसके मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे ठीक करी है। एक्चुअली मैं इसका कुछ हो नहीं सकता था, सो हमने क्या करा है यहाँ पे कटवा दिए यहाँ से जो टूट गया था। देखो यार इतने पैसे नहीं थे कि मैं भी नई अलमारी ले सकूँ, सो मैंने क्या बोला कि यार काट लेते हैं, और 500 रुपये लिए उन्होंने काटने के, और यहाँ से उन्होंने पूरी बढ़िया कर दिया भाई, अलमारी बढ़िया हो गई है देखो। अब इसको पॉलिश वगैरह करना है, टचअप वगैरह करना है, एंड बूम रेडी हो जाएगी। साथ में यहाँ पे हमने एकुस्टिक फोम लगा दिए जो पैनल्स हैं, और यहाँ पर मैंने क्या करा है, डेस्कटॉप स्विच लगा दिया एक, ये देखो यहाँ पे मैंने एक डेस्कटॉप स्विच लगा दिया, क्योंकि यार बाहर जो कैमरा है ना, बाहर हर रूम में कैमरा लगा हुआ है, सो वहां पे हमें चाहिए था एक एथरनेट केबल, लैन केबल।
सो यहाँ पे ये ONU, ये राउटर और ये पूरा सर्वर तो नहीं कहूंगा, इंतजाम बैठा हुआ है हमारा यहाँ पे। अब ये जो टेबल है ना ये बाहर चली जाएगी एंड यहाँ पे एक ब्राउन कलर की नई टेबल बनवाएंगे। यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ शायद कुछ गेमिंग रिलेटेड स्टफ स्टार्ट कर दूँ मे बी। और एक चीज मैं इसमें थैंक यू बोलना चाहूंगा जो कि है मैं पीयूष भैया को, जिन्होंने हमें कई सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान दिया है जो कि उनका था। ये देखो पूरा भर के, पूरा मतलब एक प्रॉपर बोरी भर के सामान दिया उन्होंने, इंक्लूडिंग ट्रांसफॉर्मर्स एंड अदर रिलेटेड सर्किट्स। ये देख लो उन्होंने बनाए हुए हैं ये अपनी इंजीनियरिंग में। और ब्रेडबोर्ड है, सोल्डर वायर है, क्लैंप मीटर है। थैंक यू बोलना चाहूंगा मैं इस वीडियो के थ्रू, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो, कि उन्होंने ये सारा सामान मेरे को प्रोवाइड करा। बाकी ये हॉल ऑफ फेम है, बता दिया था मैंने, हॉल ऑफ फेम है भाई ये। जो भी उपलब्धि हम पाएंगे लाइफ में हम यहाँ लगाएंगे। बाकी लोगो बनवाने जाना है, लोगो बनाएंगे भाई, बाद में अपडेट करता हूँ मैं, ठीक है? आगे जो जितनी भी चीजें रहेंगी उसकी मैं अपडेट करता रहूंगा आपको। ये इसको इग्नोर करो गंदा, तो मैं बाकी जितनी भी चीज हम लगाते रहेंगे मैं अपडेट करता रहूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाकी इतना ही रखते हैं, छोटी छोटी अपडेट्स दे रहा हूँ कि भाई मैं हम कैसे हम बना रहे हैं, अपने रेनोवेट कर रहे हैं, रेनोवेट भी नहीं, सेटअप को चेंज कर रहे हैं, है ना।